देश में रोजगार के लिए युवा कहां कहां नहीं भटक रहा। वहीं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। मंदी के माहौल में भी मध्य प्रदेश सरकार 1 लाख बंपर भर्तियां निकालने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुलिस विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग समेत 12 से ज्यादा विभागों में ये भर्तियां निकलने वाली है। मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विभागों के सभी पद खाली भरने के निर्देश दिए हैं और 1 साल के अंदर इन खाली पदों को भरे जाने की बात कही है। आपको बता दें कि इन भर्तियों में संविदा वालों को भी मौका दिया जाएगा। मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आउटसोर्स की प्रथा शुरू की है। सरकार से ज्यादा रुपए लेकर कर्मचारी को कम रुपए दिए जा रहे हैं, इसे बंद करके सीधी भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश मैगी नूडल्स का सबसे बड़ा सप्लायर बनेगा, इसके लिए तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कमलनाथ सरकार के कई फैसले लिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य की उन फसलों पर फोकस कर रही है जिनमें आय ज्यादा और खर्च कम हो। वहीं 55 लाख किसानों का बोनस अटकने पर सहकारिता मंत्री बोले कि हमारे पास बेर का पेड़ नहीं जिसे हिलाने से पैसे निकल आए। 15 सालों में बीजेपी ने खजाना खोखला कर दिया है, अब सरकार अपने खर्च कम करेगी और किसानों से किया अपना वचन पूरा करेगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।